मध्य प्रदेश भोपाल के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अशोका गार्डन में मुनिश्री 108 उत्तम सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहे श्री मज्जनेन्द्र 24वीं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने भक्तिभाव से प्रभु के मोक्ष कल्याणक की क्रियाओं को संपन्न कर विश्व शांति महायज्ञ में आहुतियाँ दी। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य मुनिश्री 108 उत्तम सागर जी, मुनिश्री 108 कुंथु सागर जी, मुनिश्री 108 पुराण सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर अशोका गार्डन भोपाल में चल रहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का मोक्ष कल्याणक की क्रियाओं के साथ समापन किया गया। इसी क्रम में भक्तों ने विश्व शांति महायज्ञ में आहुति दी। जिसके उपरांत रथ यात्रा का आयोजन भी किया। इस अवसर पर महोत्सव कमेटी अध्यक्ष ने कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। 5 जून 2022 से 11 जून 2022 तक अशोक गार्डन में जिन भी प्रतिष्ठा पंच कल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुआ, उस पंच कल्याणक में मेरे परिवार ने सो धर्मेंद्र, बाहुबली, राजा सरेआंस, मंडेव आदि मिलकर भाग लिया। इस कार्यक्रम में मैं कारवा अध्यक्ष भी था और आज भगवान का निर्वाण हुआ। सोदर तीन में सात परिक्रमा पंडाल की लगाई गई, जिसमें सबसे नंबर एक घेरावत हाथी, दो सोदरविंद भगवान के माता पिता का रथ, मैं फिर सोदरविंद का रथ और इसके बाद दुखी सोदरविंद जिसकी बोली मैंने खुद ली थी, मैं उसमें था। आज मेरे जीवन का अभूतपूर्व आनंद था, आज तक मुझे ऐसे आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। 5 जून से आयोजित इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का समापन भक्ति भाव से हुआ, जिसमें भक्तों ने अंतिम दिन मोक्ष कल्याण की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न किया। जैन फोकस के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।